प्रस्तुत कविता एलियाजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज की गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मृत हैमलेट गांव के निवासियों का वर्णन किया है। इससे पहले हमने आपको 8 पैरा की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द पोम्प ऑफ पावर। कवि जो है यहाँ पर अमीर लोगों को सचेत करता है कि उन्हें जो भी प्रशंसनीय शब्द, सुंदरता और जो भी शक्ति प्राप्त हुई है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल द वेल्थ ही वर गिव, और वो जो संपूर्ण सुंदरता और धन और यश उन्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए उन लोगों को वो सचेत करता है कि उन हैमलेट गांव के जो निवासी हैं उनकी वो हसीना उड़ाएं, अर्थात उनकी बोस्ट ऑफ हेराल्डी, जो भी प्रशंसा में उनके शब्द कहे जाते हैं। पावर का मतलब दिया है कि किस तरह से अपने धनाढ्य लोग जो जीवन में यश प्राप्त करते हैं शक्ति के कारण, और जो सुंदरता और धन उन्हें प्राप्त होता है, इसका उन्हें अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सचेत करके कहता है कि अवॉइड्स लाइक इनविटेबल आवर, कि जीवन के उन अपरिहार्य क्षणों में, यानी कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे समय में द पैथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, वो चाहे कितना भी उसने अपना रास्ता जो है यश सम्मान का प्राप्त किया हो, वो उन्हीं हैमलेट वासियों की तरह उन्हें कहाँ ले जाएगा, अंततः कब्र की ओर ले जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात वो सभी उसी ग्रेव मीन्स उस कब्र में समा जाएंगे। पैरा में इसीलिए कभी उनको सचेत करता है, क्या कहता है कि नार यू ए प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कहता है कि तुम्हें उन लोग अपने उस मतलब कीर्ति और सम्मान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ना दीज द फॉल्ट इम्प्यूट, और ना उन गरीब लोगों के जो दोष हैं उनके ऊपर तुम्हें कोई टिप्पणी करनी चाहिए, अर्थात उनके दोष उनको दोष नहीं देना चाहिए। इफ मेमोरी ओवर देयर टोम नो ट्रॉफी राइज, कहता है कि जहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाया गया है, ना तो उनके लिए कोई स्मारक बनाए गए हैं और ना उन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा पुरस्कार प्राप्त किया जो उन्हें सम्मानीय रूप से उस स्थान पर ले जाता। भेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइजलैंड फेटल्ड वाज, जहाँ पर उनको दफन किया गया है वो बिल्कुल ही वहाँ पर शांत लेटे हुए हैं, अर्थात उनकी कब्रें भी शांत तरीके से बना दी गई हैं। द पीलिंग एंथम स्वेल द नोट ऑफ प्राइज, और ऐसी कब्रों के ऊपर ना कोई भी पंक्ति या अक्षर या ऐसे कोई यश भरे गीत जो हैं उनकी प्रशंसा में नहीं लिखे गए हैं। पश्चात जो है अगले पैरा में कहता है कि कैन स्टोरी डार नार एनिमेटेड बस्ट, कहता है कि उनके जो शरीर उन कब्रों में केवल अस्थि कलश की भांति दबे हुए रह गए हैं। बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, कभी कहता है कि यदि ध्यान दिया जाए कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, ऐसे मृत्यु को प्राप्त होने पर उनका जो शरीर है, मेंशन में शरीर जो बॉडी है, कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, वहाँ से आत्मा यानी कि जो सांसें हैं वो जा चुकी हैं। कैन हॉनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और क्या आप उनके सम्मान में जो साइलेंट डस्ट मीन्स चुपचाप तरीके से उस कब्र में पड़े हुए हैं, क्या आप उनके सम्मान में कुछ कह सकते हैं, और फ्लैटरी सूथ द डुल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, यानी कि जो हैमलेट गांव के निवासी मृत्यु को असमय ही प्राप्त हो गए हैं, बिल्कुल ही ठंडे और नीरस शांत उन कब्रों में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई भी चापलूसी से भरा हुआ शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि धनी लोगों के लिए लोग
प्रायः चापलूसी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु वो हैमलेट गांव के निवासी जो साधारणतया मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं बिल्कुल ही शांत और निस्तेज उन कब्रों में पड़े हुए हैं। पैरा में कवि कहता है कि परहैप्स शायद इन दिस निगलेक्टेड स्पॉट इज लेड, शायद अपनी गरीबी के कारण जो हैमलेट गांव के निवासी हैं वो इस निगलेक्टेड स्पॉट इज लेट माने बहुत ही निरुत्तर से नकारे हुए स्थान पर यानी व्यर्थक स्थान पर जो है वो लेटे हुए हैं। तो कवि का मानना है कि सम हार्ट बंस प्रेग्नेंट विद सेस्टाइल फायर, इनमें से कुछ हृदय बंस मीन्स एक बार प्रेग्नेंट विद सेस्टाइल फायर पूरी तरह से प्रेग्नेंट मीन्स दैवीय रूप से, सेस्टाइल फायर मीन्स जो भी दैवीय उपहार है उसके अनुरूप जो है उन्हें ये जगह प्राप्त हुई है। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, कवि कहता है क्या कहना है कि जो मतलब शासक लोग हैं धनी लोग हैं, हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर जिनके हाथों में शासन की शक्ति होती है माइट हैव स्वेड हमेशा ही याद किए जाते हैं आर बेग्ड टू स्टक एसी द लिविंग हेयर, किंतु जो ग्रामीण हैमलेट गांव के निवासी हैं वो उस नकारे हुए स्थान पर आज भी किसी वीणा की भांति जैसे वीणा जो है उसका संगीत बना रहता है उसी तरह से वो उस नकारे हुए स्थान पर लेटे हुए हैं। कहा है कि जिस तरह से वीणा का संगीत सुनने से एक नए जीवन में आनंद की अनुभूति होती है उसी तरह से जिस तरह से जो राजा महाराजा लोग और शासक होते थे वो अपने उस शासन को चलाते हुए मतलब जो यश और कीर्ति प्राप्त करते थे उनकी अपेक्षा यहाँ पर जो मृत लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं है, किंतु ईश्वरी कृपा से वो बिल्कुल ही शांत और उस अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं।